हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ ऋतिक। आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग मलेशिया ऐप को पहचान पाओगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो हमारे साथ चीन का एक लड़ाई चल रहा है। इस लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हो गया है। इसी हाल में चीन ने बोल दिया है इंडिया पर साइबर अटैक होने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा और जितना हो सके चाइनीज़ ऐप और प्रोडक्ट को बॉयकट करना पड़ेगा। हम में से कोई लोग अपने मोबाइल पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के दौरान आप लोग जानते होंगे इस ऐप को हमारे मोबाइल का कई सारा सेटिंग अलाउ करना पड़ता है। जैसे मीडिया, मोबाइल का मीडिया का सेटिंग हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग का सेटिंग हो गया, लोकेशन का सेटिंग, बहुत सारा सेटिंग अलाउ करना पड़ता है। तो इसे क्या होता है, हमारा मोबाइल का जो भी है सब कुछ वो ऐप एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब ऐप मलेशिया से है। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को जानना पड़ेगा कौन सा ऐप मलेशिया से है, कैसे पहचान पाओगे। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे को सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कैसे आप लोग मलेशिया ऐप को पहचान पाओगे। पहला पॉइंट, आप एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए आप डेवलपर के संपर्क पेज को जांच कर सकते हैं। अधिकांश फ्रॉड एप्लीकेशन के डेवलपर अपने ऐप के लिए जीमेल, याहू जैसा फ्री ईमेलिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन मिलता है जिसमें कोई डेवलपर का जानकारी नहीं है तो आप आसानी से मान सकते हो कि ये ऐप मलेशियास ऐप है। तीसरा पॉइंट, प्ले स्टोर में ऐप का विवरण देखते हुए ये अक्सर समझा जाता है कि ऐप नकली है। नकली ऐप में अक्सर छोटे और त्रुटिपूर्ण डिस्क्रिप्शन होते हैं, इसलिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लें। फोर्थ पॉइंट, दोस्तों जो ऐप सुरक्षित होते हैं उस ऐप को गूगल की तरफ से वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट का बैच प्रदान करते हैं, इसलिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले इस बैच का हमेशा तलाश करें। फिफ्थ पॉइंट, यदि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अवांछित पॉपअप देखने को मिलता है तो ये एक नकली ऐप हो सकता है। तो दोस्तों, कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से पहले ये सारी पॉइंट फॉलो कर लो। एक और बात दोस्तों, हमारे लिए हमारे जवान वहाँ पर लड़ रहा है, सिर्फ हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो हम लोगों को फर्ज बनता है उनके लिए हम एक इंग्लिश से, सिर्फ एक उंगली से मोबाइल पर अपने अपना मोबाइल से चाइनीज ऐप को इंस्टॉल कर दें, ये हमारा फर्ज बनता है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करना। जय हिंद।